नसीबा नाल ए घड़िया नसीबा नाल ए घड़िया तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल गलिया तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल गलिया जीजा 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 जाहरत क्या तू पल्ली रखो अपनी बेहद अभी नहीं होने के लिए कबूल करता है ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी मजद करे क्या तू इससे मोहब्बत रखेगा इसे तसल्ली देगा इसकी इज्जत करेगा और बीमारी और तंदुरुस्ती में इसकी खबरगिरी करेगा और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो और सबों को छोड़कर सिर्फ इसी के साथ रहेगा पलमीरा क्या तो वजाहत को अपना शौहर होने के लिए कबूल करती है ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक निकाह की पाक हालत में इसके साथ जिंदगी बसर करे क्या तो इससे मोहब्बत रखेगी इसे तसल्ली देगी इसकी इज्जत करेगी और बीमारी और तंदुरुस्ती में इसकी खबरगिरी करेगी और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो और सबों को छोड़कर सिर्फ इसी के साथ रहेगी बलबीरा को वजाहत के साथ आज से लेकर जब तक मौत हमको जुदा न करे भलाई बहाली बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझे अपना बना रखूं तुझसे मोहब्बत रखूं तेरी खातिर करूं और तेरे हुक्म में रहूं इसका मैं तुझसे कौल करार करती ये अंदरूनी मोहब्बत का एक बैरूनी निशान है
और जब दूसरे एक दूसरे को पहनाएंगे अंगूठियों पर अपनी बरकत नाजिल फरमा और बख्श दे कि जब ये एक दूसरे को पहनाते हैं हमेशा एक दूसरे के वफादार बने रहें और अपनी जिंदगी के आखिर तक बाहर लाजवाब मोहब्बत में कायम रहें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। मैं तुझे हिस्सेदार बनाता हूँ बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। आमीन। आमीन। तुझे कहती हूँ अपने बदन से तेरी इज्जत करती हूँ और अपने सारे दुनियावी माल में तुझे हिस्सेदार बनाती हूँ बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से। आमीन। और पालमीरा पर जिन्हें हम तेरे नाम से बरकत की दुआ देते हैं अपनी बरकत नाजिल कर ताकि ये दोनों इस कौल करार पर जो उन्होंने आपस में किया है और जिसका निशान ये अंगूठियां हैं जो दोनों ने एक दूसरे को पहनाई है वफादारी से कायम रहें और हमेशा कमाल मोहब्बत और मुआफ़त के साथ मिले रहें और तेरे हुक्मों के बमूजब जिंदगी गुजारें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा न करे क्योंकि वजाहत और परमीला ने आपस में पाक निकाह पर इत्तफाक किया है और खुदा और इस जमायत के सामने इसका इकरार किया है और उसने एक दूसरे से कौलो करार किया है और अंगूठियों के देने और लेने और हाथ मिलाने से इसका इजहार किया है इसलिए मैं इन दोनों को शौहर और बीवी करार देता हूँ बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। आमीन। और जब वो शादी पे आते हैं गिरजा घर में
तो यकीनी तौर पे वो याद करते हैं, उस माजी में चले जाते हैं कि एक वक्त था जब वो भी इसी तरह से शादी के लिए आए थे और हर एक अपनी अपनी कैफियत जरूर बयान करा। दूसरा वो जोड़ा होता है जिसकी उस दिन शादी होती है और वो सोचते हैं कि आज वो वक्त आ गया जिसके हम मुंतजर थे और आज हमारी शादी हो रही है। ये अलहदा बात है कि बेचारे बच्चे बड़े घबराए होते हैं ना, लेकिन अक्सर कहता हूँ आप मुस्कुरा सकते हैं, खुदा ने जो मुश्किल काम था वो कर दिया, परेशानी नहीं आया। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनकी 50% शादी होती है और ये 50% शादी भी दो तरह से होती है, एक वो जिनकी मंगनी हो गई है और एक वे जिनका भी कुछ भी नहीं हुआ, वो इंतजार कर लेते हैं, कहते मैं तो तैयार हूं, कोई रिश्ते नहीं लाते। सो जो शादी है, जो कलाम है, वो हर एक शख्स, हर एक जोड़े के लिए, हर एक शख्स के लिए तैयार है। लेकिन चंद एक बातें आज मैं करना चाहता हूं। मौजूदा दौर में जो खानदानी जिंदगी है इसमें हम बहुत अबतरी देखते हैं आज, इसलिए कि शादी की जगह बहुत से और लोगों को निमुल बदल मिल गए। हमारी जो तालीमात हैं वो पूरे तौर से जवानों के साथ नहीं है कि वो जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अक्सर मैं नौजवानों से पूछता हूँ भाई क्यों शादी करना चाहते हो, कहते हैं जी सबकी हो गई, मेरी नहीं हुई थी। मैंने कहा चलो मैं भी शादी करा, भाई आप अपने लिए करवा रहे हैं, लोगों के लिए करवा रहे, ठीक है। आमतौर पर लोग सोचते हैं अब वालदा जो है वो बुजुर्ग हो रही हैं तो घर में कोई काम करने वाला नहीं, तो उन्होंने कहा चलो बेटे की शादी, लड़के ये बड़ा महंगा सौदा है, ठीक है। अगर ये सोच है हमारी शादी के लिए तो फिर इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि शादी भी ऐसी नहीं है खाना बताने और कपड़े धोने के लिए, देर इज समथिंग मोर देन दैट। मसीही शादी के तलक से चंद बातें हम देखेंगे कि मसीही शादी यूनिक क्यों है, इसकी लासानियत क्या है। पहली बात यह है कि जो शादी है दूल्हे और दुल्हन की बात, ये इस वक्त वाहिद लिविंग सिंबल है या एक जिंदा अलामत है जो खुदा और कलीसिया के तले से तस्वीर को बयान करता है। कोई और भी खुदा सिंबल कर सकता था लेकिन दूल्हे और दुल्हन की बात है, इसलिए ये अपनी जात में बड़ी लासानी है, यूनिक है। दूसरी बात कलाम ये हमें बयान करता है कि आसमान पर ब्याह शादी नहीं है, यहां रुए जमीन पे इसकी हमें तस्वीर नजर आती है, मती इसके बारे में बयान करते हैं। तीसरी जो यूनिकनेस है मसीही शादी की कि खुदा जो मुआशरा है उसमें इज्जत और एहतराम की बात है। इब्रानियों का मुसनफ कहता है कि ब्याह शादी जो है ये इज्जत की बात है, लेकिन मिस्र बेदार है मुआशरे की इकाई जो है, जितना यूनिट अच्छा होगा उतना ही आगे मुआशरा अच्छा होगा। और चौथी बात कलाम हमें यह बयान करता है कि खुदा तस नस्ल, खुदा तस औलाद की बात है। इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा ना कि औलाद टन करके 15 मिनट पैसे उठ के चले जाते हैं, वर्ल्ड ऑफ फैक्ट कहते हैं वक्त ये नहीं कि कितना है, उस वक्त को हम कितना इस्तेमाल करें। आपको पता होगा कि जो शोहर है जब उसकी छुट्टी होती है तो घर में आके एक ऐलान कर देता है, और ऐलान क्या करता है, आज मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने सुना है। तो बच्चे कहते हैं अबू तुझे दफ्तर ही चले जाते, ये नहीं कि कितना वक्त है आपके पास, उस वक्त को आप कैसे सर्व करें। और आप बोलिए वक्त बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए, पहले वक्त निकला था शादी से पहले, शादी के बाद वक्त अनलिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा द टेस्ट ऑफ हैबिट, मोहब्बत में जो आदाब है, आप दोनों फर्क बैकग्राउंड से फर्क है, जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं उनकी आदतें बिल्कुल फर्क होती है, वो जब घर में आते हैं तो उनको पता नहीं होता घर में कैसे रहना, पेंट उधर पड़ी है कमीज उधर पड़ी, कोई नहीं हॉस्टल में ऐसे काम चलता है, लेकिन अब फर्क तस्वीर वाइफ और ठीक है, मिलजुल के इस काम को करने की जरूरत है। और चौथी बात क्या है, कम्युनिकेशन, शादी के अंदर जो बाहमी गुफ्तगू है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। माहिरीन कहते हैं कि जो आपकी गुफ्तगू का तरीकाकार है, जो टोन है, वो 55% आपकी स्पीच है। किसी बात को किस अंदाज से बयान करना ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अगर एक दूसरे की गलती है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, तो बताने की जरूरत है, जो
क्योंकि हम उस तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे, छुपाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन के 5 मुख्तलिफ लेवल, एक कम्युनिकेशन है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो आज दफ्तर में बहुत काम है, ये भी कम्युनिकेशन है। कि जब हम कम्युनिकेशन नहीं करते, इधर बहुत से झटके पड़ी हैं, ये काम खराब हुआ है, हम कहते हैं अगला साथी क्या सोच रहा है। एक कम्युनिकेशन है जिसके साथ सूरत हाल, और जब चीज़ें सही नहीं होती तो अक्सर शादी के लिए कहते हैं कि जब शादी होती है तो पहले दिन लड़का बोलता है और लड़की सुनती है, फिर उसके बाद लड़की बोलती है, फिर बोलती है और लड़का सुनता है, और फिर कभी कभी ऐसी स्टेज आती है दोनों मिलकर बोलते हैं महल्ले वाला सुनते हैं। ठीक है, सो मेरी दुआ है कि वहाँ तक कम्युनिकेशन ना पहुँचे, आपस में सुन लिया करें। ठीक है, अपनी बातें अपने तक, क्योंकि हमारी आदत है ना मशक पे, किसी के पास जाना उसको कहना सिर्फ वाहिद आदमी है जिसको मैं बता रहा हूँ, वो अगले के पास जाता है सिर्फ तुम्हें मैंने बताया, शाम तक सारे महल्ले को पता। इसी तरह से यू आर ए न्यू यूनिट, अपनी बातें अपने तक, मशवरे जरूर लें पर जो फैसले करने हैं वो अपने करने। कभी कभी हम अपने दुख सुख के लिए दूसरों के साथ बात करते हैं और बाद में बातें। कम्युनिकेशन इज वेरी जो चीज है उसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान करें। मसीही शादी में हमेशा कभी नहीं, जब से शादी की है ये हमारी डिक्शनरी में अल्फाज नहीं होना चाहिए। अगर कभी कोई रोटी जली हुई आपको मिल जाए या सालन जला हुआ मिल जाए तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि जब से शादी या हर वक्त जली भुनी चीज लाना। तुम ये भी कह सकते हो आज तो ऐसे लगता है जैसे सौतरी कुर्बानी तुमने दी है। ठीक है, किसी तरीके से कम्युनिकेशन हमें करने की जरूरत है, अच्छी बीवी खुदा की तरफ से नहीं। लेकिन जब कोई डर उड़े जाते कहते खुदा मंदिर थोड़ा ना ही देता अच्छा से है कि नहीं मंदिर, उसकी वजह क्यों? हम कहते हैं कि खुदा घरों को बनाता है और जब खुदा बुनियाद रखते हैं तो उसको ऊपर तमीर हम अपनी मर्जी से करते, ऐसे नहीं होता, जो नक्शा बना उसे खराब हो करता है। सुनी भी तो है कि हम कभी भी ना भूलें खुदा हमारी जिंदगी का मैदान, उसके पास जाने के लिए शख्सी दुआ भी करनी है, खानदानी दुआ भी करनी है। जो ना कि जिनके दूसरे बाब में शादी में मसला मसाइल आ गया, खुदा उनके पास मरियम मौजूद थी सलाह का। और याद रखें हम जितने बैठे हैं ना, कभी कभी हम लोगों के घरों में सुलह सलामती नहीं कराते, हम आग लगाते रहते और कहते बड़ा मजा है। लेकिन याद रखें अभी हमने कलाम में पढ़ा कि जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई आदमी जुदा ना करे, और अगर आप घरों के अंदर गड़बड़ करवाते हैं तो फिर आप उस जोड़े के खिलाफ नहीं बात करते, उस खुदा ने जिससे जोड़ा है उसके खिलाफ बात करते हैं, और खुदा के खिलाफ हम जंग नहीं कर सकते। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते, मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। मेरे वास्ते, मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते, मेरे वास्ते ही चुना तो खुरम
हिकमत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से, तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से, डरती तू रहना खुदा से, अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है।